वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतह सत श्रीकाल नमो बधाए जीवन वासी साथी अस्सलाम वालेकुम साथी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनेक राशि में अमेरिका साथी आप सभी जानते हैं हम लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या दुनिया को लूटना तो मुर्दे या चोर भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के ऊपर, बात करेंगे जोड़ों का दर्द कैसे खत्म होगा या जोड़ों का दर्द क्यों होता है, प्रॉब्लम ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब इस लाइफ के अंदर ही इसको बात करेंगे। तो हमारे साथ में दो डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर कोहली जी, डॉक्टर अनिल जी, और हमारे साथ में अन्वेषण कोच जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर कोहली साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, सत श्रीकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। डॉक्टर अनिल जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, सत श्रीकाल जी, धन्यवाद। अनिमेश्वर कौर जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो बात कर रहे हैं आज कि जोड़ों का दर्द मतलब भाई जो उम्र करके होता है या मतलब कोई कमी आती है शरीर के अंदर, जोड़ों का दर्द कैसे खत्म होगा, बात हमारे इस टॉपिक हो रही है। तो जोड़ों का दर्द पहले स्टार्ट क्यों होता है, कारण क्या रहा होगा, क्यों इसमें मतलब प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो पहले मेरा सबसे पहले डॉक्टर कोहली जी से सवाल है कि जोड़ों का दर्द मतलब ये जो शरीर के अंदर तो बहुत सारे जोड़े हैं, तो इसमें जोड़ों का दर्द ये कौन सी मतलब कितने जोड़े हैं पहले ये बताएं थोड़ा, उसका जोड़ों का दर्द होता क्या है इस बार बताओ। हाँ जी सर, ऐसे है जो हमारे जॉइंट हैं जी, वो उनमें लुब्रिकेशन होना जरूरी है जी। हमारे जोड़ों का दर्द का कारण क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, और इसमें ऐसे होता है जैसे मतलब दर्द, हम कोई भी जॉइंट पेन होता है तो हम कोई भी मेडिसिन लेके खा लेते हैं, एलोपैथी खा लेते हैं, उससे जो है ज्यादा नुकसान होता है। जैसे दर्दों के मेन चार कारण होते हैं, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप में कैल्शियम की कमी है, जहाँ आपका एच बी कम है, जहाँ खून में इन्फेक्शन है, तो ये मेन चार कारण होते हैं। जो बाकी लाइफ, जैसे मैंने आपको लाइफस्टाइल की बात बताई है कि जैसे पहले घर में जो लेडीज थी या जेंट्स थे, जो भी मतलब जो भी काम करते थे वो बैठ के करते थे, चौका चूल्हा करना हो, कपड़े धोने हो, खाना पीना हो, सब बैठ के होता था। लेकिन आज जो हर काम है वो खड़े होके होता है, इसका जो सारा इफेक्ट है वो हमारे जॉइंट पे, चूल्हे पे, घुटनों पे ये पड़ता है, और हमारा जो कार्टिलेज है, जो लुब्रिकेशन होता है घुटनों में जॉइंट में, वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण ये हमारे हमें जो ये प्रॉब्लम, हर आज तो हर चौथे बंदे को इस चीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पहले हमारे गांव में लाइफस्टाइल होता था वो आज नहीं है। तो इसमें डॉक्टर अनिल जी आप बताएं इसके बारे में, कि जो डॉक्टर कोहली जी ने बताया है जानकर दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेन तो यही है कि जो हमारे जोड़ हैं जी, वो फिक्स तो है नहीं है, मूवमेंट में रहते हैं जी, तो मूवमेंट जो है शरीर की वो बहुत जरूरी है जी। जैसा बताया कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम चेयर्स पे बैठते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन जब हम क्रॉस लेग कर लेते हैं उससे प्रॉब्लम आ जाती है जी, तो हमारी दिनचर्या भी जो है वो भी बदल चुकी है जी, हमारे बैठने का काम कम खत्म हो चुका है, हम कुर्सी बेड इस्तेमाल करते हैं, सोफा इस्तेमाल करते हैं या स्टूल इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत कम लोग हैं, सिर्फ जो एक्सरसाइज करने लगे हैं लोग वो पाँव के बाहर बैठने लगे हैं, अदरवाइज हम बहुत कम है जो पाँव के बाहर बैठते हैं, और मोस्टली हमने देखा कि जो बैठ के काम करने वाले हैं जी, जैसे हमारी लिवर क्लास है, वो आप 70 साल का भी देखेंगे, आप 80 साल का भी वृद्ध अगर आप देखेंगे तो आपको उसको घुटनों में प्रॉब्लम कम दिखाई देगी जी। और घुटनों की प्रॉब्लम का सबसे मेन कारण यही है, जैसे कोहली साहब ने अभी बता रहे थे कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और साथ में खान पान का नाम लिया, तो उसका मतलब ये होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो एसिडिक नेचर का है
तेजाबी मध्य गए तो उससे जो है हमारे शरीर के बीच में ब्लड में जाके इंफेक्शन हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है जी, उसकी वजह से जो है हमें जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। कैल्शियम जो है वो 30 या 35 साल की उम्र के बाद ऑटोमेटिकली जो शरीर में इसकी कमी होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है 30-35 साल के बाद अगर हम कुछ सप्लीमेंट लें या अपनी डाइट कंट्रोल रखें, बैलेंस डाइट लें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तीसरा आ जाता है कि एक उम्र हो जाती है, दूसरा हैवी वेट हो जाए जी, तो हम बिना किसी वजह से अगर किसी आदमी का वेट 60 किलो चाहिए और वो 90 का हो गया तो मींस है कि 30 kg वेट जो है वो है तो डिफरेंशिएटेड बांटा हुआ सारे शरीर पे, पर लेकिन जब हम चलते हैं या खड़े होते हैं तो वो सीधा हमारे घुटनों पे ही पड़ता है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और घुटनों इसके अलावा ये तो प्राकृतिक कारण है, उम्र के हिसाब से होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हमारी हवा भी जो है वो पॉल्यूटेड हो गई है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो एक कारण और हो सकता है कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, बाथरूम में स्लिप हो गया या रोड साइड पे एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसकी वजह से भी घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। उसको हम एक जो है बीमारी तो नहीं कहते हैं लेकिन ये कहते हैं कि हाँ उसको इंजरी हुई है, उसकी वजह से जो है उसको बीमारी ने जन्म लिया जी जी जी। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, आजकल मोस्टली जो हमने देखा है व्हाट्सएप से बहुत लोगों को बहुत जानकारी मिल जाती है, तो मैंने भी एक हम नेचुरोपैथी में भी काम कर रहे हैं और मैंने एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ भी काम किया है और नशा मुक्ति में भी काम किया है, तीनों चीजों पे काम कर रहा हूँ। तो मेन क्या आता है कि जो हमारे घुटने हैं इनकी अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हमको कितनी देर तक रेगुलर चलना चाहिए, पानी का इनटेक जरूरी है, जब हम चलते हैं तो घुटनों के बीच में हीट इतनी आ जाती है जैसे रेडिएटर की जरूरत पड़ती है, तो इसी प्रकार से जो आदमी ज्यादा चलता है या घुटनों की वर्किंग जिसकी ज्यादा है उसको वाटर इनटेक ज्यादा लेना चाहिए बॉडी को न्यूट्रलाइज करने। और एक नेचुरोपैथी में स्पेशल हम देखते हैं कि जो लोग यूरिनेशन जो हमारा यूरिन है उसको पास करने के लिए जो लोग पांव के भार बैठ के करते हैं जिंदगी के भार, उनका ना तो यूरेथ्रा खराब होता है, ना ही उनको कोई यूरिन ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है, ना ही किडनी की प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ घुटने तो ऑटोमेटिकली ठीक हो। यहां तक भी बताया गया है कि अगर एक आदमी लगातार या थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद अगर वो 1 घंटा पांव के बाहर बैठता है तो घुटनों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि घुटने घिस गए हैं, घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज डैमेज हो गया है, फिर हम कह सकते हैं कि वो एक बीमार व्यक्ति बन गया, उसको एक चिकित्सक की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। तो फिर उसके लिए एलोपैथी डॉक्टर्स अपने ही हिसाब से पेन किलर्स जिनको बोलते हैं, दर्दनाशक दवा देते हैं, ग्रीस बोल देते हैं कि खत्म हो गया तो उसके लिए वो ल्यूब्रिकेट यूज करते हैं जी, और रोल ऑन वगैरह समथिंग जो है पेन किलर जो है उसका लेप करवाते हैं। और मेनली जो है यूरिक एसिड अगर बॉडी से क्लियर करना है तो हमें अगर हम हॉट वाटर यूज करें और सिप सिप करके पिए, थोड़ा टाइम 1-1.5 घंटे का गैप डाल के पिए तो घुटनों की समस्या से निजात पा सकते जी बिल्कुल। सर समय है अभी 2 मिनट बात कर सकता हूँ जी जी। मैं चाहता हूँ कि इसमें हमने लाइव चल रहा हमारा फेसबुक पर लाइव जा रहा प्रोग्राम, अगर कोई जुड़ना चाहता है जो क्वेश्चन करना चाहता है घुटनों के बारे में या डॉक्टर कोई और भी क्वेश्चन करना चाहता है तो लाइव जुड़ करके कर सकते हैं। तो हमारे साथ में एनवीएसवीर कौर जी हैं, ये कुछ सवाल करना चाहती हैं डॉक्टर जी, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, आपने लुब्रिकेशन खत्म होने के बारे में बात करी है, लुब्रिकेशन क्या चीज होती है और कैसे खत्म हो जाता है घुटनों में और इससे बचने का क्या उपाय है जी? ये मेरे से सवाल मैडम? हाँ जी जी, ये मेरे से सवाल है आपको? हाँ जी, जी, जी आप बोलिए, आप सुनाइए। हाँ, सोनिवियल फ्लूड होता है मतलब जिसको ग्रीस बोलते हैं, चिकनाई होती है जो हमारे घुटने होते हैं, घुटनों के बीच में कार्टिलेज होता है, आमतौर पे गांव की भाषा में उसको गद्दे बोल देते हैं कि पैड है उसके, और उसमें जो है रेगुलर जो है जो ये
आप चिकनाई की बात कर रहे हैं, ये रेगुलर कुदरती बनता है, आपकी उम्र के बीच में भी ये बन सकता है, ये बनना मरते दम तक खत्म नहीं होता कभी भी। लेकिन जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है कि हम ज्यादा चलते हैं, घुटना का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी कम पीते हैं, इनको रेस्ट कम देते हैं, या कोई इंजरी हो जाती है, या जिस समय हमारे गद्दे जो है उम्र के हिसाब से या वजन ज्यादा हो जाए वो दबने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जहां पे ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे जो नेचुरली फॉर्मेशन होती है, जो कुदरती चिकनाई घुटनों के या जोड़ों के बीच में बनती है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो है हमारा कार्टिलेज जो है वो दब जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कार्टिलेज वेट ज्यादा होने की वजह से जो है ये टीयर फॉर्म में भी आ जाता है, फट भी जाता है। तो जिस समय वो पोजीशन आ जाती है उस समय थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पड़ जाती है। तो आप रेगुलर रेगुलर पानी पीजिए और बैठ के पीजिए, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लीजिए, तो इतने से ही सब कुछ हो जाता है। और आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है वो आप या लेट के करिए या फिर अपना कुर्सी या सोफे के ऊपर बैठ के कीजिए, थैंक यू, ताकि घुटनों पे भार ना डले। अगर आप अपने घुटनों को मान लो आज आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, अगर इनको आप 10 दिन का समय भी दे दो ना, ओनली फॉर 10 डेज, कि मैंने चलने का काम कम करना, खड़े होने का काम करना, लेटे लेटे जैसे साइकिल चलाते हैं वो हम कर सकते हैं, टांग इकट्ठी कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, टांग इकट्ठी कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आप उल्टे लेट के घुटने अंदर कर सकते हैं फिर बाहर कर सकते हैं जी, तो इससे आपको नेचुरली ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, फर्दर की उसके बीच में डैमेज ना, आपका कार्टिलेज खराब ना हो गया हो, आपकी हड्डियां ना घिस गई हो, अंदर कोई जख्म ना बन गया हो। और सबसे मेन कारण क्या है, जो घुटनों के बीच में जो है जिसको हम बाय गठिए का दर्द बोलते, सूजन आ जाती है, लाली आ जाती है, तो उसका मेजर कारण क्या होता है कि बाय जो है, ठीक है, आप समझ रहे होगे ना बाय को, बाय बादी का दर्द होता है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे हमारे घर में कच्ची हल्दी होती है, सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंठी सबसे बढ़िया इसके लिए, सौंठ जिसको सुंड बोलते हैं, जो ड्राई जिंजर होता है ना, उसका पाउडर अगर आप यूज करें तो बाय के बीच में सबसे बढ़िया जो है वो रिजल्ट। दूसरा, आप पानी जो है वो बैठ के पीजिए, गुनगुना भी, और घुटनों को थोड़ा रेस्ट दीजिए, ताकि जो चीज डैमेज हो गई है वो कुदरती तौर पे अपने आप ठीक होने लगे। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट किया जा सकता है। जी जी, मनदीप सिंह जी, मनदीप सिंह जी कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कॉलेज से या इनसे? नहीं, इनकी बातें जो मैंने सुनी है बहुत मन में अच्छी बातें जो है वो अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि जो मेहनत कश आदमी है ना उसको पहले ही उसको इन चीजों की जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसी जैसे उन्होंने बताया कि यदि लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो। मैं इसके बाद में एक ऐड अप करने, मेरे दादाजी हैं, उनकी उम्र अभी 93 है और वो 17 स्टेप्स तकरीबन हमारे घर के हैं ऊपर, वो ऊपर वाले कमरे में रहते हैं, उनको कभी भी उनको पूछो उनको कभी भी कोई दर्द या ऐसी चीज महसूस नहीं हुई। गुरुद्वारा में जब भी जाते हैं तो वो कभी भी वो है दीवार के साथ सहारा लेकर के नहीं बैठते, ऐसे सीधे बैठते हैं और सारा काम अपना नेचुरली करते हैं। क्यों? कारण ये है कि मेहनत काश है, अभी तक हमने पशु वगैरह रखे हुए थे, उसके चारे वगैरह का प्रबंध करना, सब कुछ करना हम खुद करके आए, अभी 2 साल हो गए यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के गुरुद्वारा में अपनी सब्जी लगा ली, यानी कि अपने आप को एक्टिवेट किया। और इनकी बातों से एक पॉजिटिविटी भी मिली है कि ये यदि हम अपना काम करते रहेंगे तो ये हर एक चीज जो है वो अच्छी अपने आप ही जो है वो रहना शुरू हो जाएगी। खास करके वेट को मेंटेन करना जैसे इन्होंने बताया कि वो बहुत जरूरी है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इसके बाद, बीच में जो घुटनों में कई बार आवाज आती है जब हम झुकते हैं, उसका क्या कारण होता है और उसकी कोई प्रिवेंशन होती है, या कुछ ना कुछ कोई वो साइन होते हैं खराब होने के, क्या होता है उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, तो इसको आमतौर पे कह देते हैं कि कड़कड़ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई बार कईयों की आती है, कईयों की नहीं आती है, कई बार जकड़न सी महसूस होती है उसके बाद, उसके में कहने ऐसी बात। जकड़न सी महसूस होने का तो कारण हो सकता है कि कोई सीजनल हो सकता है, जैसे सर्दी की मौसम होती है, तो अगर हम बॉडी टेम्परेचर सही रखें, जैसे नीचे लोअर डाल दिया और उसके ऊपर हम पेंट शर्ट डाल लिया,
तो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल रहता है तो हमारा शरीर जो बॉडी है वो किसी भी तरह से आपको जवाब नहीं देता। जी जी, जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही हम रह सकते हैं सारी जिंदगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, और कुदरत के साथ जितना हम जुड़ के रहेंगे उतना ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट। पुराने समय में तो क्या होता था, जैसे गर्मी होती थी खेतों में काम कर रहे हैं तो घुटनों के ऊपर जो है ना जहां से पानी निकलता है खेतों में जाता है, खाल से मिट्टी लगा के उसी को निकाल देते, दैट इज अ मड टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी लोगों को मड टेंट करती हूं। एक आप ये थोड़ी ये कि मड रिफाइंड फॉर्म की होनी चाहिए। एक हास्य वाली जोक वाली बात, कई बार है ना जब हम चारा वगैरह तैयार करते थे तो कई बार हाथ में कोई जख्म आ जाना ना, ना उन हमारे दादी ने कहना जिस पर बाथरूम कर दो आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है, है? सर यूरिनेशन का तो ऐसा है कि यूरिन थेरेपी तो दी जाती है चाइना वगैरह कंट्रीज में, अपना ही यूरिन अगर प्रॉपरली फिल्टर करके पिया जाए तो जितनी भी आपके इस चीज की गंदगी तो निकल जाएगी, यूरिन में निकल गई। लेकिन जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी वो कवर हो जाती है, वो यूरिन थेरेपी भी प्रोवाइड कर। जी जी जी, और जो आवाज की बात में की थी घुटनों में कई बार आती है उसका क्या कारण? उसका कारण यही होता है कि उसको गैप कह देते हैं, डॉक्टर कह देते हैं गैप कम हो गया, हम कह देते हैं गैप बढ़ गया। अच्छा जी, अगर तो लेट जाएंगे तो गैप बड़ा हो जाता है, जब हम खड़े होते हैं तो वो दब जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इसके बीच में गद्दा है तो वो गद्दा ऐसे दबना शुरू हो जाता है उम्र के हिसाब से, ये हीट से ही दबता है, ओवर एग्जर्शन जब हम करते हैं ना कि बॉडी जो है हमारी ज्यादा काम कर रही है और हम पानी कम लेते हैं, मेजर कारण यही, मेजर कारण पानी। आप 15 मिनट चलने के बाद घुटने पे हाथ रख के देखें, क्योंकि सर जिस समय मूवमेंट होती है तो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, और जब फ्रिक्शन होती है वहां पे हीट जनरेट, और जहां पे हीट जनरेट होती है वहां पे आप ओवर एग्जर्शन कर रहे हैं, ओवर वर्क भी खराब करता है। इसके बीच में कोई खड़ा होकर किसी मशीन पे काम कर रहा है रेगुलर तो उसके कार्टिलेज पे ही जोर पड़ रहा है, वो धीरे धीरे दबता है। जैसे हम गद्दा लेकर आते हैं बेड पे बिछा देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि 2 या 3 साल के बाद वो दबना शुरू हो जाता है और उसमें लचक आ जाती है। सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर उसको हम 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद धूप लगवाते रहे, उसकी साइड बदलते रहे तो कभी भी वो खराब नहीं होगी, क्योंकि ये डेंसिटी जितनी कम होगी वो बढ़ जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब कार्टिलेज एक बार दबना शुरू हो जाता है तो दबता चला जाता है, ठीक है। अब घुटनों में गैप उतना ही रहता है, लेकिन कार्टिलेज कम होने की वजह से जब बैठते हैं तो जब आपस में रगड़ खाते हैं घुटने हड्डियां टकराती हैं उस समय कड़कड़ की आवाज आती है, लेकिन कड़कड़ की आवाज को ये नहीं मान लेना चाहिए कि मेरी हड्डियां घिसनी शुरू हो गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग उसका कोई प्रिवेंशन होता है, उसका कोई इलाज हो जी, मैं बताता हूँ। जैसे आपने आप चेयर पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, तो घुटनों को जो है ना रिलीफ मिलती है, एक नेचुरल ट्रीटमेंट हो जाता है। जी जी, तो जैसे हमने कड़कड़ की आवाज बोली है, कड़कड़ की आवाज आती है उसका कारण यही होता है, ठीक है, कि हम ज्यादा चले, ज्यादा काम किया, हमने पानी कम पिया, अपनी डाइट का थोड़ा कम ध्यान रखा, थोड़ा हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हमने बैठने वाला काम कम किया, तो उसकी मूवमेंट जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने अभी बोला है कि आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग कह सकते हैं हाँ वो 90+ हैं, लेकिन अभी भी गुरुघर में जाते हैं तो जमीन पे बैठते हैं, चपली मार के। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चपली मार के बैठते हैं। उनका मेजर कारण यही है कि जिस शरीर की मूवमेंट जहां तक होनी चाहिए वो वहां तक बचपन से कर रहे हैं, उसको रुकने नहीं दे रहे, रुकने नहीं दे रहे। अभी मेरा एक फ्रेंड है, आपकी बात से थोड़ी अलग से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ किचन केयर की शॉप है वहां पे, वो अकाउंटेंट, वो 24 घंटे मोबाइल ही पकड़ के रखता है तो या फिर वो कंप्यूटर बेटा। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरी बॉडी के साथ हुए, आप समझ जाएंगे कि हम अपनी बॉडी को ठीक कैसे करें। तो जब मैं उनके पास गया, मैं क्या मेरे को बोलने लगे, कहते हैं डॉक्टर, मैं क्या हाँ बोलिए, कहते सर, कहता मेरी बाजू कहता काम नहीं कर रहे, कहते जकड़े से गया, मैं क्या हुआ गया है, तो उसने जब आपने दोनों बाजू उठाए ना यहां तक उठ रहे थे, और मेरे को 35 साल का लड़का यहां से ऊपर नहीं जाते। उसका कारण यही है कि वो एक मोमेंट पे काम करता रहा, उसके मसल्स वीक हो गए, पट्टे दबने शुरू हो गए, ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होना शुरू हो गया, धीरे 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 धीरे, जैसे कोई पेड़ होता है ना एक बार झुक जाता है तो बांस लगा के सहारा लगाता तो वहीं पे ठीक हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा जान आ जाती है। लेकिन अगर वो एक बार झुक जाए
और उसकी तानियां बढ़नी शुरू हो जाए तो फिर वो झुकता ही चला जाएगा, झुकता ही चला जाएगा। तो ऐसे ही ये मूवमेंट डॉक्टर भी क्या बोलते हैं इसको, आगे भी करो पीछे भी करो, पीछे भी करो, ऊपर भी करवाते हैं साइड में भी करो, कि ये जो हमारा जॉइंट है बॉल सॉकेट जॉइंट है, जैसे जीप का टायर देखा ना आपने चलता है तो वो ऐसे काम करता है, बॉल होती है और सॉकेट होती है, बीच में उसकी ग्रीस होती है, अगर ग्रीस नहीं होती फिर वो भी चू चू की या खड़खड़ की आवाज देने लगता है। जी जी सुरेश पांडे जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सवाल कोई? जी जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर भारत जी से कि जैसे घुटनों के दर्द के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे घुटनों के दर्द के होने के बावजूद भी पैरों की नसें पूरी टाइट हो जाती है, हाथ पैर पूरा टाइट हो जाता है, तो उसमें क्या किया जा सके? डॉक्टर कोहली साहब दोनों बताएंगे एक एक करके, क्यों डॉक्टर कोहली साहब को नंबर लगा दिया काफी दिन से, भारत जी को ब्रेक दे, डॉक्टर कोहली साहब का, डॉक्टर कोहली साहब बताएं, आप बताएं इसके बारे में, फिर डॉक्टर अनिल बताएंगे जी। हाँ जी सर, ऐसे है जैसे आप रात को गर्म पानी करके उसमें एक चम्मच आधा चम्मच नमक सेंधा नमक और एक चम्मच सरसों का तेल डाल के उसमें वो घुटने तक उसको डिप करके रखना है पानी में, तो 15-20 मिनट ऐसे टकोर करने के बाद उसको आप टॉवल से पोंछ के और उसमें कोई भी ऑयल जैसे नारियल ऑयल है वो आप लगा सकते हो, तो इससे जो है जॉइंट में जो स्टिफनेस है या जॉइंट में जो जकड़न है वो एकदम खत्म हो जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी 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 इसमें ये सवाल अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं, किस संबंध में जो ट्रीटमेंट अभी सुरेश पांडे जी ने ट्रीटमेंट लिए ये पूछना चाहती हूँ जोड़ों में, जैसे आपने जोड़ों के दर्द की बात करी थी तो पांव में गांठें बन जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पेनफुल होता वो, खाने पीने में क्या मतलब हमें नहीं खाना चाहिए? जोड़ों में जो गांठें बन जाती हैं पांव में उंगलियों में हाथों की उंगलियों में स्टिफनेस हो जाती है, क्या करना चाहिए? खान पीन में क्या खाएं क्या ना खाएं? मैडम इसमें ऐसे है, अगर हम यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम अगर यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो जो एसिड है वो ड्राई हो जाता है और हमारे जॉइंट्स में जम जाता है, इसे हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं, गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तो पानी ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा पीना है, और जैसे पहले डॉक्टर मना करते थे देसी घी नहीं खाना है, आप 1.5-2 चम्मच देसी घी अपने पूरी डाइट में जो 24 घंटे की डाइट में उसमें शामिल करना है, किसी भी रूप में आप खा सकते हैं देसी घी को। सरसों के तेल का यूज करना है, सरसों के तेल का यूज करना है, और बबुल की जो फली है, बबल की फली का जो पाउडर है वो सबसे रामबान है, वो आपकी हड्डियों को मजबूती भी देता है और जॉइंट पेन को भी खत्म करता है। आप लगातार इसको 40 दिन 2 महीने इसको रेगुलर सुबह शाम गुनगुने पानी से इस्तेमाल करो, और पानी आप जितना भी गुनगुना इस्तेमाल करोगे वो सब ज्यादा बढ़िया रहेगा और शरीर में अनेकों बीमारियां उससे जो है खत्म होती हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सूरज पांडे जी कोई और सवाल करना चाहते हैं आप?
जी मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, इन्होंने बताए बुगलों के बारे में, बबूल के लिए और भी बताएं, जैसे कभी काल को ऐसे दर्द होते होते ऐसा लगता है दांत हाथ मुंह पूरा ब्लॉक कर जाता है, दांत दांत जाम हो जाते हैं, मुंह नहीं खुलता है, सांस बस चलती है, आदमी बेहोश हो जाते हैं, ऐसे नसें पूरी टाइट हो जाती है, तो उसमें क्या किया जाए तत्काल में कि जैसे उसको ठीक किया जाए उसके बाद हॉस्पिटल उन्हें लिया जाए सके? ये तो कोई टॉपिक मेरे ख्याल दूसरा करेगा, तो बताओ डॉक्टर साहब क्या करना है, डॉक्टर कॉलेज बताया पता है? नहीं नहीं, जैसे सर हाथ पैर पूरा टाइट हो जाता है, बटूर जाती है नसें, तो उसमें दांत आदमी का लग जाता है उस वक्त में, ऐसा दर्द होते होते हाथ पैर बटूर जाते हैं आदमियों का? हाँ वो उसको मेरे ख्याल दौरा कहते हैं शायद उसको, है ना कुछ ऐसा कहते हैं? जी जी जी, यहाँ पे तो दौरा हो गया, एपिलेप्सी। क्या डॉक्टर कॉलेज क्या करना चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा तो होता है जैसे हम अपने रात को सोते समय अपने हाथों को उंगलियों को अच्छी तरह मालिश करके, पांव को घुटनों को मालिश करके सोएं, और जैसे आप बोल रहे हो भी जकड़न होती है, जकड़न तो जैसे आप गर्म पानी को गुनगुने पानी में आप एक चम्मच नमक और आधा चम्मच सेंधा नमक और एक चम्मच सरसों का तेल डाल के उसको 15-20 मिनट आधा घंटा डिप करके रखोगे तो वो सर्कुलेशन ठीक हो जाती है। आप जिस एरिया में रहते हैं जैसे वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है, ज्यादा ठंड पड़ रही है तो जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से अपना वो आप चेंज कर सकते हो ट्रीटमेंट। जी सर इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप जो मैं? जी जी जी, जैसे कोहली साहब ने अभी बबूल की फली बोला है जी, तो बबूल की फली एक हिंदी वर्ड है, लिटरेरी वर्ड है, हम वैसे इसको कीकर बोल देते हैं, जो हमारे पंजाब में नॉर्थ इंडिया में जो कीकर का पेड़ बोलते हैं उसकी जो फलियां लगती हैं उसकी बात की है, ये जोड़ों के दर्दों के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके सेवन का एक ढंग है जी कि अगर सर्दी में किया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है, इसके बीच में हड्डियां मजबूत करने की भी ताकत होती है, शरीर को ताकत भी मिलती है, और दूसरा जो है जोड़ों के दर्द जो है वो भी कम होता है, जो गठिया बाया हो जाता है घुटने जो है हमारे जकड़े जाते हैं इसको उससे भी फर्क होता है, लेकिन इस्तेमाल का ढंग है कि इसको सर्दी में किया जाए, और बबूल की फलियां अगर खुद तोड़ के इकट्ठी की जाए तो बढ़िया, बाजार से मत खरीदिए क्योंकि ये हर साल लगती है जी, ये दिवाली तक पकनी शुरू हो जाती है जी जी जी, ठीक है, तो ये जिस समय इसके बीच में बीज ना आया, फलियां लगती है ना अभी अभी इसमें बीज नहीं आया, उसको उस समय तोड़ लो, वो रामबान का काम कर, तो किसी की तासीर गर्म होती है किसी की बाई वाली होती है ना, किसी को बांस पाती और किसी को बाती, तो अगर किसी को गर्मी की शिकायत है वो इसको अगर ले, इसको रात को पानी में भिगो दे और सुबह ले ले, इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, नहीं तो इसकी तासीर ज्यादा गर्म होती है, इसकी ठंडी तासीर है वो इसको डायरेक्ट पाउडर बना के ले सकते जी। दूसरा जो है आप नारियल तेल ले लीजिए, उसमें मुश्कपूर जो आता है 50 ग्राम तेल में आप दो टिक्की मुश्कपूर की जो छोटी आती है रेडी बाजार में मिलती है जो पूजा में इस्तेमाल होती है, सिर्फ वो डाल के आप रात को आप डाल दीजिए तो सुबह वो तेल ऐसा बन जाएगा कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा आपके हाथ के हिसाब से बताऊंगा कि उस तेल की मालिश घुटने पे कैसे कर, तो घुटने के जो है ना हम जो आम लोगों की भाषा है लेमेन जो बोलते हैं गांव के लोग बोलते हैं कि चार आंखें होती हैं घुटने के, चार आंखें का मतलब है कि जैसे ये दबी हुई चीज है ऐसे ही घुटने के बीच में भी आप जैसे जब मैं बताऊंगा तो आप थोड़ा अपना घुटना दिखाना मुझे, मैं बताऊंगा कि कहां कहां पे कौन सा पॉइंट, जिस समय मान लो आप ऐसे लेटे हुए तो जो घुटने से ऊपर होता है ना जो हमारी पटेला है जिसको चपनी बोल देते पटेला से ऊपर जो है आप अगर ऐसे हाथ रखेंगे ना गोल चक्कर के ऊपर जैसे ये आपकी पटेला है, जैसे ये आपकी पटेला है आप इसके अगर ऊपर देखेंगे जिस समय आपकी टांग सीधी है तो यहाँ पे दो खड्डे से दिखाई देंगे जैसे आंखें, तो उसको आंख ही बोलते हैं घुटने की,
लेकिन जिस समय हम कुर्सी में बैठते हैं तो ये पॉइंट बंद हो जाते हैं, सामने वाले पॉइंट खुल जाते हैं। पटेला के दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं। जब हम टांग सीधी करते हैं तो वो ऊपर वाले खुल जाते हैं, जब हम कुर्सी में बैठते हैं तो सामने वाले खुल जाते हैं। तो हम वो तेल थोड़ा थोड़ा लेके अगर उस पॉइंट के ऊपर जेंटली रब करें 15-20 दिन के बीच में, मैं गारंटी देता हूं कि घुटनों की कड़कड़ बंद हो जी, गारंटी देता हूं मैं 15-20 दिन जरूर लगते जी। तो घुटनों के जब आप कुर्सी में बैठ के तो ये पॉइंट आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसे करके तेल लगा सकते हैं इनके, आपको दिखाई देगा कि यहां पे खड्डे हैं। जब हम टांग सीधी करते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा होता है चपटी का, वहां पे दो खड्डे आ जाते हैं, तो आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन बाद में आपको ऐसे घुटना इकट्ठा करके ना फिर पूरी मालिश करनी जरूरी होती है हाथ से उसी समय। तो मैं गारंटी देता हूं कि आप रात को करेंगे सुबह इनको फर्क दिखाई देगा जी जी। इसके अलावा तो नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं कि आप पानी की टूटी चला दीजिए, कम से कम कोई 2.5-3 फुट का गैप होना चाहिए पानी की टूटी में, जैसे नहाने के लिए हम यूज करते हैं 3-4 फुट की टूटी होती है, आप टूटी चला के घुटना उसके नीचे कर दीजिए, पटरी पे बैठ के जो चौकी होती है वहां पे बैठ के आप अपने घुटने के ऊपर सीधा पानी डालना, सीधे घुटने पे भी डालना है और इकट्ठा करके घुटना उस पे भी जी। 15-20 दिन में आपके घुटने में ऑटोमेटिकली ताकत आनी शुरू हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ग्रीस बननी भी शुरू होगी। 2003 में मैं पटियाला सिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे डॉक्टर थे, हड्डियों के हॉस्पिटल में ही था उस समय, मेरा नशा मुक्ति केंद्र का अलग था और उनका जो है ऑर्थोपेडिक का अलग था। तो मैंने उनको बोला कि जिस समय मैं बैठता हूँ, बैठ के खड़ा होता हूँ, मेरे को दाहिने घुटने में प्रॉब्लम आता जी, तो मेरे को नेचुरोपैथी के बीच में ही ट्रीटमेंट किया मैंने कोई 15-20 दिन एक महीने के लिए। उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि पांव के पार नहीं बैठना, पांव के बाहर नहीं बैठेंगे आप, उन्होंने 2-3 मेरे को बोला, हाँ एक आप जो है कहता है जब स्टूल पास करते हैं तो आप वेस्टर्न सीट लगवा, जब उन्होंने मुझे बोला ना कि वेस्टर्न सीट लगवा लो तो नेचुरोपैथी योगा में तो मैं काम करते ही था, मैं ये प्रॉब्लम वहीं से खड़ी हुई है जब से हमने नेचुरल सीट जो वेस्टर्न सीट घरों में लगवाई। तो मैंने क्या किया उसका रिवर्स शुरू कर दिया, मेरे को 20 दिन के बाद नेचुरोपैथ ने बोला, कहता डॉक्टर ने बोला ना कि बैठना नहीं है, कड़कड़ की आवाज आती थी, गैप भी था, ढीला भी था घुटना, पता लगता था कि टकटक हो रहा है। लेकिन जिस समय 15-20 दिन या एक महीना लगाया, वही उन्होंने चारों आंखों के ऊपर थेरेपी दी मुझे, तो मेरे घुटने के अंदर तेल बनना शुरू हो गया, आप कहते लुब्रिकेंट शुरू हो गया, थर्मली फ्लूइड जो है या ऑटोमेटिकली अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, उसकी वजह से नेचुरली फॉर्मेशन शुरू हो गया और आज की तारीख में मैं पांव के बाहर बैठ सकता हूँ। 2003 और 2021 में आप डिफरेंस देख लीजिए जी जी। तो मैं लास्ट सवाल करूंगा, अभी टाइम हमारा समाप्त तरफ चलेगा। ये तो एक अजीब बात बताई आपने, घुटनों की भी आंख होती है, चार आंख बताई है, ये पहली बार बता रहे हैं इसके बारे में, इसलिए शुक्रिया आपका। मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे अनिवेश्वर को जी, कुछ कहना चाहती है आप? हाँ जी, गाउट और आर्थराइटिस में क्या फर्क है? ये गाउट जो आप मान लेते हैं, ये डायरेक्टली जो है, ये आप ये मानो कि आपकी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा है, एसिडिक हो गई है, और हम गर्म पानी इसीलिए बोलते हैं कि उससे जो है ना आपका एसिड बाहर निकल जाता है यूरिन की वजह से, गाउट बोलते हैं गठिए को, ठीक है, अंग टेढ़े हो जाते हैं। हाँ जी, कारण वही रहता है, मैंने आपको बोला ना, एक तो हमारे पास शरीर में कुदरती कमी आती है या फिर एक्सीडेंट होता है, जब एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो हम उसको फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास ही भेजते हैं, उसको हम हैंडल नहीं करते, उसको बोलते हैं कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आ जाओ, आप घुटने की मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अगर सिर्फ घुटने की बात करें, बाकी दूसरे जोड़ है उनकी भी मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ाइए, तकलीफ होती है कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि नारियल तेल में 2 मुश्कपुर की टिकियां डाल लीजिए, बस सिंपल इतना ही बहुत है, और भी बहुत चीजें डाली जा सकती है लेकिन ये सफिशियंट है आपकी जी। आप एक महीने के बाद देखेंगे कि घुटनों की कड़कड़ और मूवमेंट में फर्क पड़ जाएगा अगर आप उसमें तेल लगाएंगे जी जी, बिल्कुल आप 2 बार कर लो सफिशियंट है। आर्थराइटिस में, अब आर्थराइटिस जो है, अब ऑर्थो आर्थराइटिस है, डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया उस पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि नेचुरोपैथी जो है एक ठीक आदमी को ठीक करने के लिए होती है, अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आ गई
आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया, आपकी हड्डी घिसनी शुरू होगी। तो जब हड्डी घिसनी शुरू हो जाती है, जैसे किसी भी आप एक रेगमार ले लो या कोई भी चीज ले लो, अगर हम उंगली को पत्थर पे घिसेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि ऊपर वाली लेयर खराब हो जाती है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ऑर्थोआर्थराइटिस जो होता है उसको मैं सबसे बड़ी नामुराद बीमारी मानता हूँ। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बेड पे लेटे हुए हैं, करवट भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनके जॉइंट इतने घिस चुके होते हैं कि उनमें ब्लीडिंग होती है, वो आपस में चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो आपको पता ही है कि एक जख्म जब जख्म के साथ चिपक जाता है, जैसे किसी जख्म पे आप बैंडेज भी कर देते हैं तो बैंडेज उतारनी मुश्किल होती है, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। उसके बीच में जो है जी आपकी एलोपैथी है, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वो यूज की जा सकती है। जी जी, लेकिन आप सिर्फ सर पानी लीजिए, किसी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर से पांव तक। आप 2 से 3 लीटर ना पानी 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास गुनगुने पानी का ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि घुटनों पे सो जाए तो आप 1 या 2 पिंच चुटकी जो है ना, रात को आप सोते समय या सुबह जो है वो सौंठ की ले सकते हो। अच्छा, इससे बढ़िया दवाई नहीं है कोई भी। जी, हमारा टाइम समाप्त की तरफ चलेगा बिल्कुल ही, तो समाप्त करेंगे इसको प्रोग्राम को। डॉक्टर कोहली जी के लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटे 2-3 छोटे छोटे टिप्स हैं। जैसे आप मरकरी बल्ब होता है रेड कलर का, रेड कलर के मरकरी बल्ब को आप टेबल लैंप में लगा के उसका सेक दे सकते हो। पहले उसको मालिश करो जॉइंट को, हल्के हल्के हाथों से मालिश करके उसको रेड जो बल्ब होता है मरकरी बल्ब होता है उसका उतनी दूरी पे रख के सेक दो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। नंबर 2, जो गाची मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो पेन किलर होती है, उसको आप दूसरी मिट्टी में, काली मिट्टी में, दूसरी मिट्टी में मिक्स करके उसका लेप लगा सकते हो। हफ्ते में 2-3 दिन तक ये कर सकते हो। इससे जो है ज्वाइंट पेन और अंदर जो ग्रीसिंग की जो प्रॉब्लम है वो सब एकदम ठीक हो जाती है। जी जी, दोबारा हमारा टाइम समाप्त की तरफ चलेगा, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सूरज पांडे, लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही। निवेशवर कौर जी आपका भी, और डॉक्टर कोहली साहब आपका भी, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल आपका। और आने वाले वक्त में फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे हम। तो आज सभी का जिन्होंने अपनी बात रखी है, तो अगर इसमें हमारा प्रोग्राम लाइव गया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में बात रखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में बात रखेंगे कि खून का जो है ना, इसमें मतलब सही जो है खून जो इंसान का जो है ना, अगर खून जाम हो जाता है या खून की प्रॉब्लम आती है तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो खून की वजह से मतलब खून को इंसान के शरीर में कैसे ठीक रखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर कोहली साहब आपका भी, अनिल जी आपका भी, तो अनिल शुक्ला जी आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।